2024 के नतीजे तय कर दिए। चुनाव की दहलीज पर खड़े गुजरात के दर पे पीएम मोदी ने दस्तक दे दी है। इससे पहले कि विपक्षी खेमे में सुगबुगाहट होती, इससे पहले कि विपक्ष सावधान सतर्क होता, इससे पहले कि दूसरी तरफ हलचल होती, पीएम मोदी मोर्चे पर जुट गए हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज भी व्यस्त है, आज भी उनका एक के बाद एक कार्यक्रम है। मोदी जब भी यहाँ आते हैं अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। इस बार भी वो माँ से मिलने आए, आशीर्वाद लिया, साथ बैठकर खिचड़ी खाई, मोदी मोदी के नारे यहाँ भी लगे। पीएम मोदी के इस दौरे के साथ ही बीजेपी ने गुजरात में चुनावी बिगुल बजा दिया है। 4 फतेह हो चुके हैं, अब गुजरात की बारी है। गुजरात आकर पीएम मोदी ने यूपी में विजय का मंत्र पार्टी कैडर को बताया कि आखिर क्यों यूपी में बीजेपी नामुमकिन को मुमकिन करने में कामयाब हुई। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। जनता का विश्वास कैसे जीता जाता है, चुनावी युद्ध कैसे फतह होते हैं, ये पीएम मोदी से बेहतर कौन जानता है। गुजरात में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रहे, इसके लिए पीएम मोदी रण में उतरे हैं। गुजरात में बीजेपी कैडर को पीएम मोदी ने जो मंत्र दिया है सुनने में सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इसके असर को लेकर कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, पुरानी टीफिंग मीटिंग को दोबारा शुरू करना, छोटे छोटे सम्मेलनों से जनता से सीधा संवाद, जातियों समुदायों के सम्मेलन से कनेक्शन, गुजरात का चुनाव पीएम मोदी की साख से सीधा जुड़ता है, क्योंकि गुजरात उनका अपना राज्य है, यहीं से उनका सियासी उत्थान हुआ। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। गुजरात में बीजेपी ने 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछले 27 साल में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। दिसंबर 2017 में गुजरात के चुनाव थे, तब कांग्रेस से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77, अन्य को 6 सीटें मिली थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है जो रुकती नहीं है, थकती नहीं, चुनाव दर चुनाव नए जोश के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। मोदी ने बीजेपी को जीत का आदि बना दिया है, लेकिन बीजेपी की हर जीत के पीछे कितनी मेहनत होती है ये आप मोदी के गुजरात दौरे से समझ सकते हैं। दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी गुजरात की पिच पर भी ऐसी ओपनिंग करने को तैयार दिखती है कि विपक्ष के लिए इसका पीछा करना भी मुश्किल हो जाए। यही मोदी का स्टाइल है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।